हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू राहुल जी। अनुराग कश्यप हटके फिल्म बनाने में माने जाते हैं जी। उनकी नई फिल्म के ट्रेलर आया है अगली का, उस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, 70s में भी एक दो डायरेक्टर होते थे जो थोड़ी ही हटके बनाते थे फिल्में, कमर्शियल फिल्म से थोड़ा हटके, पूरे नहीं हटते थे उस टाइम भी। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी हैं, बासु चटर्जी जी हैं, गानों का सहारा वो भी लेते थे और स्टार्स का भी लेते थे। लेकिन ये अनुराग कश्यप मुझे एक ऐसे डायरेक्टर दिखाई दे रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस का कोई भी फार्मूला फॉलो नहीं करते, जिनका मुझे लगता है कि उनका मेन जो हीरो है वो हमेशा स्टोरी ही होता है, वो स्टोरी को लेके चलते हैं जी। और स्टोरी भी उनकी हमेशा अलग ही होती है। आप प्रिडिक्ट नहीं करते कि 20 मिनट में आपको पता चल जाता है यार एंड तो ये होएगा, वो जाएगी इधर उधर घूम के, हो सकते हैं अलग जाए, मोड अलग हो सकते हैं, लेकिन एंड तो वहीं पहुंचेगा। तो उनकी होता है बॉलीवुड फिल्मों में, कोई भी डायरेक्टर मुझे इतने लंबे टाइम तक ऐसा नहीं देखा कि जो गाने यूज ना करता अपनी फिल्मों में। देखिए, सस्पेंस फिल्म बना रहे हैं आप, सस्पेंस चल रहा है, ऑडियंस को लग रहा है हाँ अब कुछ होगा, और वहाँ पे फिर आइटम सॉन्ग आ जाए या जैसे 70s में कैबरेट आ जाता था तो लगता है यार ये ब्रेक सा लग जाता है, लेकिन इसकी फिल्मों में नहीं लगता। जो सस्पेंस शुरू हुआ आपका तो आपको सीट के किनारे पे आखिर तक बैठाए रखता है, ये इसकी काबिलियत। जो इस तरह की फिल्में देखते थे ना, मसाला देखना देखो, वो तो वो भी वैसे भी नहीं देखेंगे चाहे कितना ही सस्पेंस हो, लेकिन इनकी ये खासियत है और ये इसीलिए जाने जाते हैं और यही फिल्म बनाते हैं। अब इसकी टाइटल ही बताती अगली, यानी कि गंदा गंदा समाज में कोई ऐसे गंदगी जिसकी आमतौर पर नहीं दिखाते, उसको भी थोड़ा खूबसूरती का वर्क लगा के हमारे फिल्म प्रोडक्शन नहीं गए, नहीं गए हो कभी समाज का गंदा कोई भी हिस्सा या प्रथा वगैरह नहीं दिखाई हो, लेकिन उस पर भी एक चांदी का वर्क चढ़ा के दिखाते हैं। लेकिन ये डार्क वही दिखाता है जैसा वो डार्क हॉर्स है अनुराग कश्यप। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने देखा भी होगा कि इसमें वही दिखाता है, इसलिए मशहूर, और इसलिए मुझे लगता है कि अगली भी इनकी हटके फिल्म बनेगी। जिस तरह से ये बनाने में मशहूर हैं, जाने जाते हैं, और ये फिल्म भी वैसे ही बनाएगी जैसे ये ट्रेलर से तो ऐसे लग रहा है कि कोई किसी की लड़की का किडनैप हो जाता है और उस किडनैप में अपनी लड़की को बचाने के लिए कोई एक और की लड़की उठाता है। इस तरह शायद चेन सी बनती जाती है कि आदमी अपने को बचाने के लिए वही काम दूसरे के लिए कर देता है, तो कितना गलत हो, ये पीड़ा नहीं समझता है, तुझे जितनी पीड़ा और ये तो उसको भी तो होती होगी। शायद ये इस एंगल को लेके चल रहे हैं और यही इसका टाइटल जस्टिफाई भी कर रहा है जी। धन्यवाद राहुल जी। वेलकम। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप राहुल चौधरी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर हमें मैसेज करें। टिल देन, बाय।